वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। अपने ये टॉपिक चल रहा था लास्ट पार्ट में भी और अभी भी यही चल रहा है। अपनों ने कर लिए थे फिफ्थ रूल, मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ पांच रूल्स को। अपनों ने रूल पढ़ा था, एक तो जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है और एक ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट ऑलवेज बी श्योर प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ग्रुप सेकेंड ऑलवेज बी श्योर प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बात समझ में आया। सेकेंड रूल अपनों ने किया था, एक्चुअली जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑलवेज बी जनरली शो प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर। और उसमें एक्सेप्शन क्या था अपने, एक्सेप्शन उसमें था H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जीरो होता है और ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड के साथ हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस वन। यही अपनों ने ऑक्सीजन के साथ रूल किया था। ऑक्सीजन के साथ अपनों ने पढ़ा था ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बट ऑटो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जीरो होता है एंड ऑक्सीजन एफ फ्लोरीन के साथ क्या होता है, प्लस वन एंड प्लस टू। ओ एफ टू में प्लस टू होता है और ओ टू एफ टू में प्लस वन। अब अपने नेक्स्ट रूल चल रहे हैं, रूल नंबर सिक्स। देखो रूल नंबर सिक्स क्या है, दो मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। रूल नंबर सिक्स क्या है, रूल नंबर सिक्स है जनरली अगर अपने बात करें जो हैलोजन एटम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस वन होता है। जैसे NaCl, NaI, NgCl2 जितने भी कंपाउंड है उसमें क्लोरीन हैलोजन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस वन। तो क्या आ जाएगा, जनरली द हैलोजन एटम, द हैलोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन। अब अपने आ जाएगा एक्सेप्शन, देखोगे क्या होगा एक्सेप्शन इसमें, देखोगे एक तो इन हैलोजन मॉलिक्यूल, इन हैलोजन मॉलिक्यूल हैलोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन। आगे बात समझ में, नेक्स्ट एक्सेप्शन और क्या है इसमें, एक तो ये एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन और है इसमें, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। वैसे तो चार होते हैं हैलोजन, IVRClF, मैं तीन की बात कर रहा हूँ। ये तीनों शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे प्लस वन प्लस सेवन भी शो करता है, प्लस थ्री भी शो करता है, प्लस फाइव भी शो करता है। आगे प्लस वन से प्लस सेवन तक हैलोजन कौन कौन से, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन शोस, बट फ्लोरीन ऑलवेज बी शोस, फ्लोरीन ऑलवेज बी शोस माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर।
आगे बात समझ में, बट फ्लोरीन ऑलवेज बी शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बात समझ में, नेक्स्ट देखो भाई एग्जाम्पल से, जैसे मैंने इधर की तरफ लिख दिया NaCl, Cl इज हैलोजन एटम, जनरली ज़्यादातर कंपाउंड के साथ -1, यहाँ पे ये क्या होता है -1, तो इसका मतलब Na ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या होता है +1, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ पे है -1, जैसे मैंने इधर लिख दिया MgCl2, Mg कितना होता है +2, मैंने तुम्हें बताया था किसी भी कंपाउंड्स में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। मैं एटॉमिक कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ जिसमें चार्ज नहीं प्रेजेंट होते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की 2 है तो यहाँ पे -2 होंगे, इसका मतलब एक क्लोरीन -1 और दूसरा -1, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है -1। आगे बात समझ में, अगर अपने ले लें यहाँ पे NaI सोडियम आयोडाइड, तो यहाँ पे सोडियम +1 है और I कितना है -1, तो यहाँ पे पहली लाइन का एग्जाम्पल अपनी कंप्लीट हो गया। जनरली क्या होता है, हैलोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। अब एक्सेप्शन पे आते हैं, पहला एक्सेप्शन अपनों ने लिखा है द हैलोजन मॉलिक्यूल हैलोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन द हैलोजन मॉलिक्यूल हैलोजन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या आ जाएगा 0, -1 लिख दिया गया, फिर से 0 आएगा यहाँ पे। तो 0 वाला एग्जाम्पल देखो, पहला एक्सेप्शन देख रहा हूँ उदाहरण से, एग्जाम्पल से देखो, मैंने इधर लिख दिया Cl2, क्वेश्चन आ गया अपने Cl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हैलोजन मॉलिक्यूल है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज कितना आ जाएगा 0, मॉलिक्यूल में 0 होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए I2 में I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो I2 में I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, I ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। ऐसे अगर मैं Br2 में लूँ, यहाँ पे Br2 में Br का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Br2 मॉलिक्यूल द Br ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। एनी वन प्रॉब्लम्स? आगे बात समझ में, ये F2 में होगा। अगर आपसे पूछिए F2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो F2 में फ्लोरीन क्या हो जाएगा 0। आगे बात समझ में, पहला एक्सेप्शन हो गया कंप्लीट, इन हैलोजन मॉलिक्यूल हैलोजन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। अब अपने आते हैं सेकेंड एक्सेप्शन पे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। आगे क्या बात समझ में, ये एक एक्सेप्शन है, ज़्यादातर ये किसके साथ होता है, क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट हो तो क्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अब अपने दूसरा एक्सेप्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो भी अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, देखो भी Cl2O ज्यादातर ये ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ ये तीनों क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब Cl2 में क्लोरीन क्या होता है, Cl2 में क्लोरीन होता है +1, निकाल के अभी बताऊंगा मैं, रूल कंप्लीट हो जाए थोड़े बहुत। देखो भी क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या जाएगा +1, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +1। जैसे एक और एग्जांपल ले, HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, HClO4 में क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज +7, और आपको प्लस और माइनस का मतलब मैंने बताया था, प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, ये हो गया अपना सेकेंड एक्सेप्शन कंप्लीट। अब अपने देखते हैं, बट फ्लोरीन ऑलवेज बी शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन चाहे सोडियम के साथ हो, चाहे ग्रुप फर्स्ट के साथ हो, ग्रुप सेकेंड के साथ हो, चाहे ऑक्सीजन के साथ हो, फिर भी फ्लोरीन ऑलवेज बी शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल कितने भी नंबर के कंपाउंड हो या कितना ही बिगेस्ट मॉलिक्यूल हो, वहाँ पे फ्लोरीन -1 रहेगा। आगे बात समझ में, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट रूल अपने आ जाएगा, फिर अपने निकालेंगे इतने रूल लिखे, फिर एक्सेप्शन वाले रूल करेंगे। आज तुम्हें निकालना समझा दूंगा मैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे है, ठीक है? देखो नेक्स्ट रूल है अपने रूल नंबर सेवन,
देखो भी देखो मैं पहले एग्जांपल जे देखो, अगर मैंने इधर लिख दिया के एम एन ओ फोर, चलो एक एक का तो अपने निकाल लेंगे, पोटेशियम का प्लस वन हो जाएगा, एम एन का यहाँ पे निकाल देंगे, आगे क्या बात समझ में, ऑक्सीजन का अपने को पता ही है कितना होता है माइनस दो, आगे बात समझ में। अगर बात करें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर की, तो नॉर्मल जो कंपाउंड है कोई मॉलिक्यूल है उसमें जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑलरेडी जीरो होगा, ध्यान रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। आगे क्या बात समझ में, इसमें जीरो होगा, कहने का मतलब इसमें जितने प्लस के होंगे ना उतने माइनस के, आप देखो जैसे ये तो प्लस वन होता है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, ये क्या है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए ये क्या है प्लस वन। ऑक्सीजन मैंने तुम्हें बताया था परोक्साइड में क्या होती है माइनस वन, फ्लोरिन के साथ प्लस, जनरली क्या होती है ऑक्सीजन होती है माइनस टू। अब यहाँ पे देखो माइनस टू इंटू फोर कितने हो गए, यहाँ पे ये माइनस टू मतलब माइनस एट, और यहाँ पे ये कितने हो गए प्लस के वन, तो ये फोर इंटू टू कितने ऑक्सीजन है, एक का माइनस दो है आठ माइनस एट, तो इधर प्लस वन है तो इधर कितने होने चाहिए प्लस सेवन, हो गया ना कंप्लीट, ये कितने हो गए एट ही तो है ये, तो इसका मतलब ये टोटल क्या रहा है जीरो। माइनस टू का मतलब यहाँ पे देखो फोर इंटू माइनस टू कितने हो जाएंगे माइनस एट, ये अपने निकालना सीखेंगे अभी आगे। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है जीरो, तो अपने रूल क्या आ जाएगा सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन द मॉलिक्यूल, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल इज जीरो, आगे बात समझ में इज जीरो। जैसे मैं अगर लिख दूं NaCl, मैं बड़े बड़े एग्जांपल नहीं लूंगा क्योंकि आपको निकालना बताऊंगा, आगे इसका जीरो कैसे, ये प्लस वन है और ये क्या है माइनस वन, जोड़ो इनको करो इनका एडिशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन करो, यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन को जोड़ो क्या आता है जीरो। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जीरो। एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है प्लस वन, प्लस वन कितने हैं दो, कितने हो जाएंगे प्लस टू, आगे क्या दो, दो है प्लस वन के, और ऑक्सीजन कितना होता है माइनस दो, जोड़ो माइनस दो और प्लस दो को कितना होता है टोटल जीरो। इसका मतलब ये रूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, आगे क्या बात समझ में, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल इज क्या आ जाएगा जीरो। एनी वन प्रॉब्लम, अपने चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल से पहले इसमें एक्सेप्शन है वो कंप्लीट करेंगे अपने, वो देखो इस रूल में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इन द रूल, इन द पॉली एटॉमिक आयन, इन द पॉली एटॉमिक आयन सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इक्वल टू द चार्ज ऑफ आयन, आगे क्या बात समझ में। अगर कोई आयनिक कंपाउंड्स हो उसमें अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना वो उस कंपाउंड्स में जो आयन प्रेजेंट होगा ना उसके इक्वल होगा। जैसे मैं अगर लिख दूं Cr2O7, इधर की तरफ लिख दिया मैंने माइनस टू, तो इसमें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो नहीं होगा भाई, माइनस दो मतलब दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस कंपाउंड में, तो ये किसके इक्वल होगा दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। कहने का मतलब है सम ऑफ द एटॉमिक नंबर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा चार्ज ऑफ द आयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
Cr2O7 equal to the minus 2, very most important part. Next example लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लूँ MnO4, ऊपर की तरफ लिख दूंगा minus 1, तो we can say the MnO4 equal to the minus 1. कहने का मतलब है इसका जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस वन के. नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, PO4 3-. अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब भी अपने को निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो PO4 इधर की तरफ किसके इक्वल हो जाएगा, 3-, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा, माइनस 3 के इक्वल होगा. आगे टोटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, आगे क्या बात समझ में, यहाँ तक इतने रूल हो गए, इतने रूल का थोड़ा निकालना सीख लेते हैं, कल से रूल ही रूल पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब अपने लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ तक, फिर आगे एक्सेप्शन वाले रूल और पढ़ेंगे जिनमें एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब अपने लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं. यहाँ से देखो क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको है ना क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके. देखो क्वेश्चन में आएगा, जैसे इधर लिखा हुआ होगा, जो अंडरलाइन होगा यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, आगे क्या बात समझ में, जैसे MnO इधर दे देंगे, या आपको क्वेश्चन है देखे इन दी KMnO4 व्हाट इज द Mn ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अपने को निकालना है. तो अपने अभी जो लास्ट रूल की है उसकी तरफ आते हैं. सबसे पहले उस रूल को यहाँ पे यूज करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल इज 0. इट्स नॉट ए पोली एटोमिक आयन, इट्स ए कंप्लीट न्यूट्रल आयन, कंप्लीट न्यूट्रल कंपाउंड. सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने रूल यहाँ पे यूज करेंगे कि KMnO4 इज इक्वल टू द 0. एनी वन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे जो KMnO4 होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के. आगे बात समझ में, अब अपने जितने भी रूल पढ़े हैं उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने Mn का अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे Mn को अपने क्या कर लेते हैं, मैथ की तरह सपोज कर लेते हैं x. तो Mn सपोज दैट x. ठीक है, अब अभी यहाँ पे पोटेशियम का अपने को पता ही है, मैंने तुम्हें बताया था रूल नंबर फर्स्ट की तरफ जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट शोज, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, ये पोटेशियम शोज +1, तो इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट होता है पोटेशियम. तो पोटेशियम यहाँ पे क्या होता है, K=+1. अब मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीजन जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है. दो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे नहीं हो रहे, एक तो परोक्साइड का एक्सेप्शन है, एक मॉलिक्यूल का, दोनों यूज नहीं हो रहे. तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इधर लिख देता हूँ ऑक्सीजन किसके इक्वल हो रहा है, -2 के. तो अपने को Mn निकाल सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, K=, लिख देंगे यहाँ पे +1, प्लस में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो प्लस लगाएंगे. आगे क्या बात समझ में, Mn यहाँ पे क्या है x, प्लस में अब देखो ऑक्सीजन कितना होता है, -2, 4 लगा हुआ है तो इधर क्या आ जाएगा, 4 × -2, आगे किसके इक्वल हो रहा है, 0 के. आगे क्या बात समझ में, एनी वन प्रॉब्लम्स, आगे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+ इधर की तरफ x, माइनस इसके 4 × 8 या -8 लिख दो ब्रैकेट में, या क्या हो जाएगा, -8 इक्वल क्या आ जाएगा, 0. अब यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल टू 8-1, और वी कैन से दीज आर +7. सो वी कैन से इन द KMnO4 Mn ऑक्सीडेशन नंबर इज +7. एनी वन प्रॉब्लम्स, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. आगे देखो हो गया KMnO4 कंप्लीट, अब अपने निकालते हैं K2Cr2O7. आपको वो रूल में जो यूज हुए हैं ना, जो अपने कहते हैं ये फिक्स होता है, इसका ये होता है, उसका कभी नहीं पूछेंगे. आगे क्या वो वाला पूछेंगे जिसका निकालना होता है, जैसे क्रोमियम का कुछ भी नहीं आया अपने रूल में, तो क्रोमियम का यहाँ पे निकालेंगे. आगे पोटेशियम का कितना होता है, तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है +1, अभी बात की थी. ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है भाई साहब -2. अब यहाँ पे निकालना किसका है, क्रोमियम का कितना होता है x, मान लिया अपनों यहाँ पे, तो अपने लिख देंगे सबसे पहले रूल नंबर अपने लास्ट जो किया था, द K2Cr2O7 क्या आ जाएगा, 0. वी नो दैट पोटेशियम यहाँ पे क्या है, +1, तो +1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस क्योंकि एडिशन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है, क्रोमियम इज x, सो वी कैन से 2x, ये 2x हो गया, प्लस में क्या आ जाएगा इधर की तरफ, 7 × -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 0.
आगे बात समझ में। अब इसका देखो करो, 2 + 2x माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कितना देगा, माइनस इधर की तरफ आ जाएगा 14, और इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो वी कैन से 2x इक्वल क्या आ जाएगा, 14 - 2, और 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। एक्स इज इक्वल टू इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 12 / 2 इज इक्वल टू +6। एनी वन प्रॉब्लम्स हो गया कंप्लीट यहाँ पे? तो कितना निकला है यहाँ पे, x प्लस 6। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सीधा पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ट्रिक बताता हूँ, देखो अगर आपके लिखा हुआ आ जाए KMnO4 और ऑप्शन आ जाए, तो उसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो आपको पता है ऑक्सीजन कितना होता है, -2 - 2 × 4 कितने हो गए, -8। रूल ये रखो दिमाग में, किसी भी कंपाउंड में जितने प्लस के होते हैं उतने ही माइनस के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखो माइनस के देख लो कितने हैं, 8 है। अब पोटेशियम है प्लस का, इसका मतलब है क्या चीज, नहीं इसमें प्लस नहीं है या माइनस, प्लस नहीं है। और कितने प्लस के नहीं है, कितने प्लस के हो कि ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाए, इसका टोटल सम बताओ। अगर मैं इधर 7 कर दूँ प्लस का, तो ये कितने हो गए, +8, और +8 और -8 क्या हो गया, 0। तो 0 करना होता है, आप कर सकते हो। जैसे इसमें देखो अगर नीचे 2 हो तो इसका मतलब क्या कर सकते हो, आप अपॉन में कर सकते हो। जैसे आपको दे दे, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखो Cl2O, चलो इधर निकालते हैं। नेक्स्ट आ गया Cl2O, लास्ट अपनों ने किया था, मैंने तुम्हें बताया था ऐसे कंपाउंड्स में क्लोरीन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन यहाँ पे निकालना है कितना है, ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं है, एक्सेप्शन में है ये। अब ऑक्सीजन अपने को पता है कितना होता है, ऑक्सीजन होता है भाई -2। आगे क्लोरीन कितना होता है बताओ, क्लोरीन यहाँ पे निकालना है, तो Cl इज इक्वल टू क्या हो गया, x मान लिया इसको। अब करो भी, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट अपनों ने किया था, Cl2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे Cl2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी आप ये देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस -2, आगे क्या इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2x आ गया -2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/2, और यहाँ पे x कितना आ जाएगा, +1। यहाँ तक बोले उस समझ में आ गया, एनी वन प्रॉब्लम्स? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। आगे देखो भी, अब एक पॉली एटोमिक आयन का एक्सेप्शन था, वो और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे अपने रूल और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी लास्ट रूल में, पॉली एटोमिक आयन होता है उसमें सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 यूज नहीं करते। क्या जाएगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने अगर आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे PO4 इधर की तरफ 3-, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें बताया था जो पॉली एटोमिक आयन होता है उसका जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, उस पॉली एटोमिक आयन के चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 0 यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले रूल क्या अपने किया था, PO4 3- इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब मुझे यहाँ पे निकालना किसका है, फास्फोरस का निकालना है। तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस आ जाएगा x प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, हाँ भाई ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, -2, तो -2 × क्या आ जाएगा, 4, इक्वल क्या आ जाएगा इधर की तरफ, -3। आगे बात समझ में, आगे देखो अपने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो गया x प्लस इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इधर माइनस लगा दो या इधर लिख दो -8, इक्वल क्या आ जाएगा, -3। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, 8 - 3, और x इज इक्वल टू इधर की तरफ क्या आ जाएगा, +5। एनी वन प्रॉब्लम्स? तो ये कहने से यहाँ पे जो फास्फोरस होता है वो कितना होता है, +5। आगे बात समझ में, एक दो आप निकाल के देखोगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, निकाल के देखना इस तरीके से, ठीक है, और कमेंट में बताना, ठीक है। देखो भाई HClO4 क्लोरीन का निकालना है यहाँ पे, K2MnO4 Mn का निकालना है। आगे क्या बात समझ में,
H2SO4 सल्फर का निकालना। आगे बात समझ में? ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।